देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हाँ थोड़ा अपना दोस्त अमन से हाजिर है जी। अज नवा टॉपिक लैके नवा टॉपिक यह है भी यूरोप में लैके काफ़ी ज़्यादा सवाल साढ़े तक पहुँच रहे थे भी एक यूरोप से डेडिकेट शो किया जाए। यूरोप के काफ़ी कंट्रीज आ जाए, यूरोपियन यूनियन दियाँ भी ने, शेनेगन भी ने, सो उन्हां बारे गल की जाए। काफ़ी बच्चे इंट्रस्टिड ने, आफ्टर कोविड बच्चों यह क्वेरी चाहिए है भी यूरोप कदों तो अपना सारा सिस्टम द्वारा बैक टू नॉर्मल कर रहा है, कदों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, किहड़े स्टूडेंट किहड़े इनटेक च जा पाएंगे। काफ़ी तरह के मिक्स सवाल साढ़े तक सके, सो अच्छ कोशिश कर लगे हैं जी यूरोप से गल करनी। तो जो यूरोप से गल करनी हो यूरोप से ही उन्होंने एक्सपर्ट जी कंपनी है दिल्ली जिन्हों का हैड ऑफिस है मेरे कहने तो भाव इंडो यूरोपियन तो दुपिंदर बाबा जी ने सदा दिता गया जो कि दिल्ली तो साढ़े नाल जुड़न गए। बाबा साहब बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू अमन जी, सत श्री अकाल। तुहानू मिलन का मौका मिलिया काफ़ी महीने बाद, दर्शकों को मिलने का मौका मिलिया। आई होप साढ़े सारे दर्शक जो है सेफ तो हेल्दी हो गए। तो बहुत एक गैप आ गया साडा, तुहानू मिलिया भी नहीं बेसिकली। अज फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं सैशन कर रहे हैं, असं तो सैशन कर रहे हैं, थोड़े ना फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी, बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट के, क्वेश्चन की तादाद जी है वो बढ़ गई है। साढ़े को जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे थे नॉर्मल डे के अंदर कोविड तो पहला वो एक लिमिटेड से, कोविड के दौरान साढ़ी 300% की क्वेरीज जी क्वेश्चन की क्वेरीज देखी ने वो बढ़ गई। अच्छा भाजी, जो कोविड आप गल करिए मार्च अपने 22 तो तकरीबन लॉकडाउन शुरू होया सी, उस तो बाद यूरोप काफ़ी ज़्यादा पहला एक खबर च रहा, बट फिर हौली 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 करते यूरोप की खबर घटिया तो साडा जिहड़ा मीडिया का जिहड़ा खास ध्यान है वो इंडिया वाल ही ज़्यादा आ गया। यूरोप में लैके हुण कोई खास अपडेट साढ़े तक भी नहीं आ पा रही भी की हालात ने, बैक टू नॉर्मल हो गया या हाले भी लॉकडाउन च है, की सिस्टम चल रहा उत्थे दा, तुहाडे कोल हर अपडेट है की कहना? अमन जी बिल्कुल मिक्स कम्युनिकेशन सेगा मार्केट के अंदर। मैं तुहानू हुण पुरानी अपडेट तक दिंदा, मैं तुहानू नई अपडेट दिंदा। बेसिकली इंटरनल शेंगन कंट्रियां दे अंदर ट्रैवलिंग जी हैगी खुल गई है, काफ़ी हद तक खुल गई हैगी। तो बेसिकली हुण गल ये चल रही है भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज नू कद खोलोगे ते अंडर वट सरकमस्टांस खोलोगे। तो बेसिकली एम्बेसीज ने अपना जिहड़ा वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम हैगा वो खोलता है। मैं रिपीट कर रहा जी, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने अपना इमीग्रेशन के अंदर वीज़ा प्रोसैसिंग खोलती हैगी, जिदे अंदर स्वीडन हैगा, फिनलैंड हैगा, ये दो कंट्री कन्फर्म है, डेनमार्क भी खुल चुके हैं। क्योंकि तिना कंट्री के अंदर ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो रही है, जिन्हों कंट्रिया के अंदर फिजिकल एम्बेसी के अंदर जाके एप्लीकेशन सबमिट होनी हैगी वो इस टाइम बस खुलन वाले है ने, पर हाले खुले नहीं है। एक और चीज जिवें तुसी तीन कंट्रिया दा कहा भी इन्होंने अपनी प्रोसैसिंग स्टार्ट कर दी है, स्वीडन, डेनमार्क ते फिनलैंड, जिन्हां दी ऑनलाइन प्रोसैसिंग है सारी। सो मेरे को कॉल्स भी काफ़ी आ रही हैं जी, बैक टू बैक वो भी लावांगे, तुहाडे सवाल भी जरूर लवेंगे। शुरुआत कर ही लैने भाजी, फिर बच्चे ने कहना भी साडे लई शो है जी, साडे सवाल नहीं लै रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, हेलो जी। मैं एक अपने दर्शकों दस दिना जी, जिहड़ा भी साडे तक सवाल करदा है काइंडली अपना सवाल जिहड़ा तुसीं पुछ लिया करो ते रेंज च रह के पुछो, ते अपनी जिहड़ी ए कोशिश ना करियो भी अपनी आवाज जिहड़ी आ ओह तुसीं सुण पाओ, क्योंकि थोड़ा जिहा डिले हुंदा तुहाडे तक पहुंचदे नूं। कई वारी बच्चा ए चक्कर दे विच अपना सवाल जिहड़ा ओह नहीं पुछ पाउंदा, सो थोड़े जिहे डिले तक तुहाडे तक पहुंचांगे, बट सवाल तुहाडे दा जवाब दुपिंदर जी जरूर देणगे। जी हैलो, सत श्री अकाल जी। हेलो, सत श्री अकाल मैम। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल मैम। हेलो, मेरे ख्याल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम करके आवाज नहीं आ पाई जी। दविंदर जी, मैं बैक टू उसे आना चाहना, स्वीडन, डेनमार्क ते फिनलैंड केड़े केड़े बच्चे लिए ऑप्शन जिहड़ी आ उह रहेगी? अमन जी बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ ने एको गल क्लीयर करती है, जिन्हों बच्चों के एडमिशन आ गए ने, ठीक है जी, वो अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितना ही बेसिकली बच्चों की एम्बेसियां खुलन गई, सारी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ ने 99% यूनिवर्सिटी का साढ़े को कम्युनिकेशन आ चुकी है, बच्चे कहो ऑनलाइन क्लास शुरू कर लेगा अगस्त,
मैं गल कर रहा तिना कंट्री तो जी बाकी कंट्री है उन्होंने मैं गल कर रहा तो जिदा ही एम्बेसी खुलेगी कोई अगस्त खुल रही है कोई सितंबर खुल रही है ये इंडिविजुअल डिसीजन होगा एम्बेसी का तो जिस दिन खुलेगी उस दिन तुम बच्चे का वीजा अपलाई करके बच्चे भेज दो लेकिन क्लासिज अपने टाइम पर शुरू हो रही है सारे बच्चे जिन्होंने मार्च इनटेक के अंदर भी अपनी फाइल लाई सी वह भी इतने ऑनलाइन पढ़ रहे हैं साडे कोल हुण जिद्दां एम्बेसी खुलेगी कई बच्चों के वीजे एक्सपायर कर गए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी उन्होंने बच्चों को एम्बेसी दोबारा वीजा दे रही हैगी तो कहने का मतलब यह है हर चीज नॉर्मल चलेगी तो साडा जिहड़ा न्यू नॉर्मल हैगा ना वो हैगा ऑनलाइन एजुकेशन लेकिन एक गल एम्बेसी ने ते यूनिवर्सिटी की जी कम्यूनीकेशन हो रही है सानू जी इनफॉर्मेशन आ रही है ऑफिशियली कि बई बच्चे अगली इनटेक तक वेट नहीं करना पड़ेगा जिस दिन डोर खुल गया उस दिन बच्चा अपना वीजा अपलाई कर लेगा जिन्हें बच्चों ने स्वीडन के अंदर अपलाई किया एडमिशन उन्होंने रेजिडेंट परमिट प्रिंट होके क्योंकि रेजिडेंट कार्ड स्वीडन के अंदर दिल्ली के अंदर नहीं मिलता यह तुम्हें प्रिंट होकर आंदा स्वीडन तो इस करके साडे को कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ गई है बच्चों के कार्ड आने शुरू हो चुके हैं हैंडओवर हले नहीं हुए ने पर कार्ड पहुंच गए हैं तो दूजी गल यह है कि जी दूसरी कंट्रिया है अमन जी साडी इंडस्ट्री के अंदर ना एक चीज बच्चे को बहुत जरूरी समझनी हैगी कि बई जिहड़ा वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस हैगा ये लास्ट का 10% काम होंदा है ठीक है 90% काम होंदा है चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी चॉइस ऑफ कंट्री एप्लीकेशन प्रोसेसिंग कैनेडा के अंदर बड़ा ईजी हैगा क्योंकि तुसीं फीस पे की जीआईसी खोलिया काम हो गया लेकिन यूरोप के अंदर अपोस्टाइल ट्रांसलेशन एम्बेसी डेट यूनिवर्सिटी इंटरव्यू यह सारिया चीजों मिला के मेरा तजुर्बा यह कहता है तुसीं यूरोप के जिहड़े मर्जी देश चल जाओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਫੋਕਸ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗੂਗਾ सो भाजी प्रोसैसिंग टाइम जिम्मे क्या तकरीबन 3 महीने का लग जाता है सो इस हिसाब न बच्चे जे अज असी जुलाई च बैठे गल करते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर जो नवंबर इनटेक भी किसी का जाना तो अज उन प्रोसैस शुरू कराना चाहिए तो वह कित सोच सकता मैं जा पावगा नवंबर के अमन जी ऐसे गल करके मैं यूनिवर्सिटीज के नाल अपने यूट्यूब चैनल से पहले फर्स्ट वीक ऑफ अपना जो कोविड लग्या सेकेंड वीक के अंदर ही मैं कॉन्टीन्यूअसली डिस्कशन शुरू करती मैं डिस्कशन शुरू करती थी भी जे कि कोविड लग गया है यह लंबा ही जाना है बेसिकली लग ही रहा लंबा जाना है बिकॉज यू नो जिस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही थी तो हिसाब ने जिहड़े बच्चों ने मैं तुम्हें शेयर करांगा जब कोविड लग गया तो पहले 60 डेज के अंदर असी 85 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया जिहड़े मोस्टली पंजाब के बच्चे है वो असी अपलाई कराए हैं 80 स्टूडेंट की असी इनरोलमेंट दी हैगी ऑनलाइन बच्चों ने जूम से इनफॉर्मेशन दी हैगी हुण असी बच्चों को होर भी ऑप्शन दे रहे भी जे तुसी नहीं आ सकते हो तुसी सारा प्रोसेस अपना जूम से स्टार्ट करा सकते हो तुसी पर्सनली मेरे नाल डिस्कशन कर सकते हो मैं रोज दे हिसाब नाल अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 जूम मीटिंग कर रहा स्टूडेंट के नाल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सैशन है स्टूडेंट नू हर गल नू प्रॉपर दस रहे हैं हर बच्चे वास्ते हर कंट्री नहीं हैगी तो बच्चा इतने कंफ्यूज हो रहा है कि बच्चे नू ये दिखाया जाता है भी बिना आयस तो अपलाई कर दो सोच रहे हो ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਮ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਐਲਟੀਐਸ ਦੀ ਵੇਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਵੀਡਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਈਐਲਟੀਐਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੀਟੈਕ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ
MBBS वाले स्टूडेंट नू हैगी, बी फार्मेसी नू हैगी, ते कई होर भी डिग्रीज हैगी ने जिथे 4 साल की जो थोड़ी डिग्री हैगी इंडिया तो 99%। देखो जी बीटेक का कन्फर्म ही हैगा, तुहानू आयल्स नहीं करना हैगा, बिना आयल्स तो तुसीं अप्लाई कर सकते हो। स्वीडन दे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे के वीजे वास्ते। जे डेनमार्क जाने की गल करते हो तो एप्लीकेंट पे कोई पैसे शो नहीं करने है, एप्लीकेंट नू जीरो फंड शो करके डेनमार्क जाना अलाउड है, लेकिन उसके स्पाउस 9 लाख रुपया शो करना होता है। वन डे ओल्ड शो मनी चलती हैगी, इस करके कोई प्रॉब्लम नहीं आती बच्चे नू। दोनों नू इकट्ठे अपलाई करना अलाउड है, मैं फिर कहूंगा इकट्ठे अपलाई करना अलाउड है। बहुत ज्यादा मंजी मेरे को बच्चा आ रहा जिहड़ा कहिंदा जी तुसीं तां कहिंदे हो एप्लीकेंट दे बाद वीजा लगवाओ, बाकी कहिंदे ने कि जी इकट्ठे अपलाई कर दो। 99% वीजा रिफ्यूजल रेट हैगा जेकर तुसीं इकट्ठे अपलाई करोगे डेनमार्क दे अंदर एज अ स्पाउस। दूसरा जाए की फर्क रहा, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन सब लई लॉ इको ही है। अमन जी मैनू अज इंडस्ट्री के अंदर 20 साल हो गए ने, 17 साल हो गए मैंने कंपनी रन करते हुए। मैं 17 साल के अंदर अज तक सैकड़ों बच्चे भेजे ने डेनमार्क, मैं रिकॉर्ड नाल कहना मार्केट के अंदर मेरे को एक रिफ्यूजल नहीं है। पब्लिक नैशनल टेलीविजन पर कह रहा मेरे को स्पाउस की एक रिफ्यूजल नहीं है, मेरे को एक रिफ्यूजल आई सी 2008 जयपुर की, मना किया नहीं मनिया, फिर भी उन्होंने अपील करा के वीजा दिलाता। मैं तुम्हें समझाना हों की है, स्कैंडिनेवियन कंट्री फिनलैंड स्वीडन डेनमार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट गल है, तिना के अंदर एक लॉज है कि भी तुसी फैमिली रीयूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट देंगे ने, एक फैमिली टाइम नू लैके ना फैमिली रिलेशनशिप नू लैके बहुत बहुत सेंसिटिव है कि कंट्रियां। तो तीनों कंट्रियां कहंदियां ने भाई तुसी स्पाउस नू मना नहीं कर सकते वीजा जेकर सारे पेपर पूरे है, तो रिफ्यूजल होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब तुसी इकट्ठे अपलाई करते हो, इकट्ठे अपलाई करन वेले तुहाडी स्टूडेंट दी फाइल जांदी है स्टूडेंट वीजा इमीग्रेशन ऑफिसर दे कोल, ते तुहाडे स्पाउस दी बच्चे दी जांदी है फैमिली रीयूनिफिकेशन डिपार्टमेंट। बिल्कुल जी, ते दोनों अलग है। फैमिली रीयूनिफिकेशन वाला डिपार्टमेंट डिसीजन नहीं लेंदा जब तक स्टडी वीजा डिपार्टमेंट आंसर नहीं करता। जिदा ही स्टडी वीजा ने कहा भी इनू बच्चे एप्लीकेंट नू वीजा मिल गया, ऑटोमैटिकली उन्हें अप्रूव कर देना है, ठीक है जी। लेकिन जब स्टडी वीजा वाला देखता है कि भाई एदे नाल दो बच्चे एक स्पाउस, ठीक है जी, तीन बंदे आ रहे हैं, चार की फैमिली आ रही है एक साल का MBA करने वास्ते, ये ऑटोमैटिकली उन्हें शक मिलता है। देखो जी सारे ने फीस भरनी हैगी, शो मनी तो है ही नहीं, तो रिफ्यूजल कितना करोगे, सारे फीस भर के जाएंगे, सारे को आयल्स होगा डेनमार्क से, सारे बच्चे तो रिफ्यूजल का चांसिस की है कि ने। तो वो फैमिली रियूनिफिकेशन लैके स्कैंडिनेवियन कंट्रियां बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो इस करके मैं ये नहीं कहूंगा जेकर साथ अप्लाई करना है तो ओनली कंट्री स्वीडन कर लो। जो कई बार मेरे को यहोजे केसेस है, अब मैं ऐसे इंटेक में हैंडल कर रहा, मेरी टीम ने केस लिता सेगा, असी हमेशा कहने हैं बच्चा मन भी गया सेगा, ट्यूशन फी ट्रांसफर करने का टाइम आ गया, कल उन्हें फीस ट्रांसफर की है, कहता मैं जाना है तो कट्ठे ही जाना है, ठीक है जी। स्वीडन असी अप्लाई कर देंगे, वीजे आ भी जाते हैं स्वीडन से, लेकिन आने तो बाद मैं अपनी स्टैंड दी। मैं बिल्कुल इतने थोड़े ना सहमत हूँ, मैं थोड़े सौखे शब्द समझा देना, दो चीज़ा ने, दोनों जिहड़े डिसीजन मेकर ने वो अलग अलग ने, तुसी उन्हें वीजा ऑफिसर कह लो, जिन्हें स्टूडेंट वीजा देना वो अलग है, फैमिली रीयूनियन फिक्सन जी हैगी है उहदा जिहड़ा डिसीजन मेकर है वो अलग है। हुण हुंदा की है, जदों तक थोड़े मेन एप्लीकेंट कोल वीजा नहीं है, वह थोड़े फैमिली रीयूनियन फिकेशन नूं किवें कंसीडर करेगा। मैं बिल्कुल इत्थे सहमत करदा दविंदर भाजी नाल भी, यह चीज़ा कितने ना कितने ग्राउंड दिंदियां ने वीजा ऑफिसर नूं रिजैक्ट करन दा। सो एक्सपीरियंस काउंट करदा, 17 साल भाजी ने दस्सिया, टोटल 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री दे विच, 17 साल उन्होंने अपनी कंपनी रन करते हो गए, और खास सिर्फ यूरोप करते हैं, तुम देखिया होना कई साल तो साढ़े शो के, इन्होंने कभी कैनेडा की गल नहीं की, कभी आस्ट्रेलिया की, कभी न्यूजीलैंड की, और इस इंडस्ट्री की खासियत यह रही है भी बोर्ड बड़ी जल्दी बदलते हैं, आस्ट्रेलिया चलिया तो आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चलिया तो न्यूजीलैंड। पर भाजी तुम यूरोप तक ही रहे। अमन जी कितने ना कितने यही गल्ला होंदियां ने, मैं अपने कुलीग्स दे नाल भी होंदियां ने, कल ही हो रही थी, तो गल यही सी भी जब न्यूजीलैंड चल रहे थे तो भी असं यूरोप कर रहे थे, जब यूके चल रहे थे तो भी असं यूरोप कर रहे थे। कितने कितने यूरोप के अंदर ना एक चीज़ हैगी, हर बच्चे का एक प्रोफाइल है, तो हर बच्चे वास्ते वो वास्ते कुछ कंट्रीज है,
ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਲਟਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੁੱਛੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸੋਸੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਜੜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਲਟਾ ਮੈਸੀ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਥਵੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ 10 ਚੋਂ 7 ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਥਵੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਥਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀ, ਨੋਨ ਸ਼ੈਂਗਨ ਤੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਥਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ, ਬਟ ਇਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਬੈਠਣ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਫਿਸ ਹਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਓਪਨ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸ ਪਰ ਨੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰਸਨਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੂਮ ਆਈਡੀ ਐਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਈਡੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਮਨਜੀ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਟਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਆਈਡੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਦਪਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 80 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨਰੋਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ 80 ਬੱਚੇ ਨੇ, 80 ਦੇ 80 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਇੰਟੇਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ 2020-21 ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਬੱਚਾ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ੂਮ ਆਈਡੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ੂਮ ਆਈਡੀ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੀਡ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਲ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਭਾਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਜੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।